इधर आओ मम्मा के पास आओ। आज आज अद्दू बेबी नहाई नहाई नहीं किया, आज अद्दू बेबी नहाई नहाई नहीं किया, आज बोला मुझे नहीं नहाना। क्यों नहीं नहाना आपको बताओ तो? मैंने इसको पूछा अद्दू नहाई नहाई करोगे? गंदा बेबी नहाई नहाई नहीं करता। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज का दिन बहुत सुहाना है, आकाश सो रहे हैं, अद्दू बदमाशी कर रहा है और मैं हूँ अपने छोटे से गार्डन में अपने प्लांट्स के साथ। और मैं देख रही थी कि मेरा मनी प्लांट में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि मैंने ना इस वाले मनी प्लांट में से कुछ तो कटिंग करके इसमें लगाया, मैं इसको बढ़ाना चाह रही थी। सो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किसके क्या हाल चाल है। इस वाले प्लांट को ना ये पहले नीचे रखा हुआ था यहाँ पर और मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। और मैंने ना यहाँ पे ये भी लगाया था मनी प्लांट, जो मुझे अब लग रहा है कि लग चुका है। मैं डर रही थी कि लगेगा कि नहीं, बट इसने ना ये एक कली निकली है इसमें से, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये लग गया है, तो मैं खुश हूँ। और साथ में मैंने ये वाला एक इस वाले मनी प्लांट में से ना कट करके इसमें लगाया था, इसमें भी जड़ें निकल गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये भी कहीं और प्लांट कर देती हूँ मैं, मतलब किसी और प्लांटर में प्लांट कर देती हूँ। इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगाया था बट ये सूख गया, इसमें लगा नहीं अच्छे से, या फिर शायद पता नहीं अभी होगा अंदर से कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का सब सूख गया। ये मैं दिल्ली से लेकर आई थी और इसमें मैंने क्या गलती की ना, इसको मैंने पहले पानी में नहीं डाला। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मनी प्लांट को लेके, मुझे लगता है कि पहले हमें पानी में डाल के रखना चाहिए। अगर हम कहीं से भी कटिंग ला रहे हैं तो उसको पानी में डालो, जब उसमें से जड़ें निकल जाएँ फिर उसको मिट्टी में प्लांट करो। क्योंकि ये वाला ना मैंने डायरेक्ट प्लांट कर दिया था ये वाला, तो ये नहीं लगा। बट वो दोनों मैंने मिट्टी में डाल के पानी में डाला, पानी में से जब जड़ें निकली फिर मैंने उसको मिट्टी में प्लांट किया, तो वो लग गया अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि मनी प्लांट ऐसे ही लगाना चाहिए। वैसे मैंने काफी यूट्यूब चैनल देखे थे। अद्दू नो नो नो, क्या कर दिया ये तो? छाला छाला इसने निकाल दिया इस पीछे। इधर लाओ मम्मा लगा देती है, इधर लाओ हैंड दो हैंड। अले पापले हैंड दो अपना, वेरी गुड, ये वाला हैंड भी दो। छाला क्लीम निकाल देता है, छाला क्लीम निकाल देता है ये ललकू। इधर लाओ मम्मा के पास आओ। आज आज अद्दू बेबी नहाई नहाई नहीं किया, आज अद्दू बेबी नहाई नहाई नहीं किया, आज बोला मुझे नहीं नहाना। क्यों नहीं नहाना आपको बताओ तो? मैंने इसको पूछा अद्दू नहाई नहाई करोगे? गंदा बेबी नहाई नहाई नहीं करता। मेरा एक ये कंटेनर था, इसमें मैं वो रखती थी नमक, तो इसका ढक्कन टूट गया, तो मैं सोच रही हूँ इसको पेंट करके ना इसको भी एक प्लांटर बनाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। बट अद्दू जी को ये बहुत पसंद आ रहा है और ये यहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं, यहाँ से उठा के खेलने जा रहा है। और अद्दू को नहीं मालूम कि ये कांच का है, लग जाएगा। अद्दू क्या कर रहे हो? उसको वो सूप इतना प्यारा है ना, उस कहीं पे भी छुपा के मैं वो सूप रख दूँ उसको मिल ही जाता है। तो हाँ, अभी हम लोग कहाँ पे थे कि हमें मनी प्लांट कैसे लगाना, हमें पहले कटिंग लेनी है मनी प्लांट की, उसको कुछ दिनों तक पानी में रखना है, लगभग 15 से 20 दिन, ज़्यादा भी दिन भी आप रख सकते हो। जब आप देखो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ें निकल गई हैं, मतलब दो तो जड़ें निकलनी चाहिए, जब दो जड़ें निकल जाए तो उसको आप मिट्टी में प्लांट कर सकते हो। बट उससे पहले प्लांट मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि मैंने ना 2-3 बार करने का ट्राई किया बट वो सूख जाता है, वो नहीं लगता। अद्दू ने ये क्या किया, पूरा फैला के शूज में वो दूध डाल रहा था। शूज में अभी नए लेकर आई हूँ, मैंने ये तो आप लोग को दिखाया ही नहीं, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ कल, क्योंकि मैंने अभी सोचा कि मैं दोबारा से जिम स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। और ये मुझे पड़ा है कितने का, ये इसका MRP है 1399, बट ये मुझे पड़ा है 799 का, डिस्काउंट मिला है मुझे इसमें 500 का, और डीमार्ट से लिया है, स्पार्क्स के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और कल से हम जाएंगे जिम। मुझे लग रहा है मैंने ना बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है कुछ दिनों से पीछे, मेरा पेट इतना ज़्यादा बाहर आ गया है, मैंने थोड़ा फुला लिया, इतना भी ज़्यादा नहीं है, कैमरे पे ज़्यादा लग रहा है, बट हाँ मेरा पेट बाहर आ गया। तो मैंने सोचा फिर से जिम शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और मसाले वाली चीज़ें खाने लगी हूँ, इस वजह से शायद हो रहा है ऐसा। और मुझे जिम स्टार्ट करना चाहिए, बहुत अभी हाई टाइम हो गया है
के जिम शुरू करना चाहिए। 5 मंथ से मैं जिम नहीं गई हूँ। मैंने पता मेंबरशिप दे ले ली, मैं 2 महीने गई, मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया है, मैंने छोड़ दिया जिम जाना। अभी फिर से वेट गेन कर लिया, अभी फिर से जाऊँगी मैं। मुझे बहुत मतलब मैं वैसे इंसान नहीं, मतलब मैं फिटनेस पर्सन नहीं हूँ। मैं मेरा पेट अंदर रहे बाकी सारी चीज़ें, मैं वैसे मोटी नहीं हूँ, वैसे मैं बहुत ठीक हूँ, बट मेरा पेट बाहर निकल जाता है पता नहीं क्यों। और ये मुझे हो रहा है अद्दू के होने के बाद से। उससे पहले तो मैं ऐसी लड़की थी कि मतलब मैं कितना भी खाऊँ कितना भी खाऊँ मैं बिल्कुल मोटी नहीं होती थी। सब मुझे बोलते थे कि तू मोटी नहीं होती, तू कुछ खाती नहीं है क्या, जबकि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा खाती थी, बट मैं मोटी नहीं होती थी। सो अभी सबकी शिकायतें पूरी हो गई है, मैं मोटी होने लगी, मोटी नहीं होने लगी, मेरा पेट मेरा बाहर निकलने लगा है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जिम विम भी, बस मुझे कार्डियो करने की ज़रूरत है। अगर मैंने कार्डियो भी किया तो मुझे लगता है मेरा पेट अंदर चला जाएगा। 2 महीने में मैंने वेट लूज़ किया था अपना, तो अभी फिर से 2 महीने जाऊँगी वेट लूज़ करूँगी, फिर 5 महीने खाऊँगी, फिर 2 महीने के लिए जिम जाऊँगी, फिर 5 महीने छोड़ दूँगी, फिर 2 महीने के लिए जाऊँगी। यही प्लान है हमारा। और अभी मैं बना रही हूँ अद्दू के लिए, क्या अद्दू के लिए बना रही हूँ मैं चीज़ सैंडविच, नहीं बोल सकते टोस्ट, चीज़ टोस्ट बना रही हूँ। और आकाश के लिए बनाऊंगी वेज बिरयानी, क्योंकि अभी भी चिकन नहीं खा सकते। आज कितनी तारीख है, 6 तारीख है आई गेस। घर में बैठे बैठे ना डेट भी याद नहीं रहती, तो आज 6 तारीख है। तो अभी तो वेज बिरयानी बनाऊंगी आज, और अद्दू के लिए बनाऊंगी दो काया पले छान कर ले। पापा को देखो देखो, दे ही नहीं रहा। क्या है उसमें, उसमें ऐसा क्या है? इसको मम्मा फेंक देगी, आप इतना करोगे फिर मम्मा फेंक देगी इसको। ओले बोपले जा लिए मम्मा इसको फेंकने के लिए। अद्दू पापा को सोने नहीं दोगे? इसने पैंट भी नहीं पहना। तो इधर खेलो, अगर आपको इससे खेलना है तो इधर खेलो, जाओ उधर खेलो। अद्दू नो, अद्दू आओ तो मम्मा के पास आओ। नहीं आओगे, नहीं आओगे, नहीं आओगे। उसको सूप चाहिए। इसको छुपा के ही रख दूंगी मैं, क्या करोगे फिर? ये लो, उठा दिए ना पापा को। मेरे ऊपर रख के तो चढ़ रहा है। आपके ऊपर रख के फिर चढ़ जा रहा है, बदमाशू। ओ बदमाशू, ये आंसू देखो, आंसू देखो इसका, आंसू मगरमच्छ का आंसू। ले जाऊं अब? नहीं चाहिए, ले जाऊं? मुझे मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था, जो मैंने लास्ट वीडियो किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने किचन बनाने का काम किसी को दिया था, किचन हमने बड़ा किया है मतलब बालकनी अंदर ली है, तो वो काम दिया था और उसने किचन बिगाड़ दिया है। तो मुझे एक कमेंट आया था उस पर कि क्या बिगाड़ा है ऐसा कि मैं उसके मरने की दुआ कर रही हूँ। देखिए, एक तो मैं मरने की दुआ नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है उसने। एक तो वो पूरे पैसे लेके चला गया, उस टाइम पर ना मैं जॉब कर रही थी तो मैं घर पे नहीं रहती थी, और वो आकाश से पैसे लेके मतलब उसने आकाश को थक थक के पूरे पैसे ले लिए। आकाश थोड़े से ना मतलब उनको लगता नहीं है कि दुनिया धोखा दे सकती है, उनको लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, जैसे वो खुद बहुत अच्छे से लगता है उनको दुनिया बहुत अच्छी है, बट एक्चुअली दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। अद्दू व्हाट आर यू डूइंग बेबी? बिस्किट खाना है? गो इनसाइड, गो गो इनसाइड, गो टू योर पापा, गो। सो उसने आकाश से पैसे ठग लिए, वो मुझसे बात ही नहीं करता था क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगी और मैं उससे पूरा काम करवा के लूँगी, तो वो आकाश को ठगने लगा। तो उसके बाद उसने क्या किया ना, हमें यहाँ पे ये बालकनी वाला एरिया है मेरा, तो यहाँ पे हमें एक लकड़ी का फट्टा लगवाना था, मतलब यहाँ तक पहले किचन था, ये टाइल्स जो है वो किचन की है, यहाँ पे एक वॉल था और ये पाइप्स हैं जो कि फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो हमने कहा हम इसको कटवाएंगे नहीं, हम यहाँ पे ना एक लकड़े का फट्टा लगवा देंगे कि जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में काम पड़ता है तो हम वो लकड़ा निकलवा सकें। तो एक ये काम, दूसरा काम यहाँ से उसने निकाल दिया, गेट निकाल दिया एक, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल थी ना तो वो वॉल टूटा, तो ये गेट निकाल दिया उसने, ये गेट भी नहीं लगाया, प्लस यहाँ पे भी गेट नहीं लगाया। सिंक एरिया है मेरा, सिंक के ऊपर का ये पूरा बालकनी का ही एरिया है, तो यहाँ पे भी उसने गेट नहीं लगाया। दूसरी चीज़, इस तरफ में भी उसने जो ये तोड़ा था, यहाँ पे भी वॉल थी,
ये तोड़ा तो यहाँ से भी गेट हटाया, फिर गेट नहीं लगाया। तो ये देखिए कितना गंदा लगता है ये। अब जब हम किसी और को बुला रहे हैं तो वो इतने से काम का 20,000 डिमांड कर रहा है और मुझे ये किचन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उसने मतलब झूठ झूठ बोल के वो काम बढ़ाता गया। उसने पहले बोला हमने ये प्लेटफॉर्म चेंज कराया, तो मैंने बोला मुझे ना वाइट प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे ब्लैक प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं हम इसके ऊपर ही लगाएंगे, तो अगर आप वाइट करते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है अभी फिलहाल के लिए आप फिर ब्लैक ही लगा दो, हम बाद में जब किचन पसीना आ रहा है यार, बाद में जब हम किचन बनवाएंगे तो हम फिर वाइट करवा लेंगे। अभी हमें ना सिर्फ काम चलाने वाला किचन चाहिए था क्योंकि बालकनी से ना लीकेज हो रहा था, नीचे पानी टप टप कर रहा था, तो हमने थोड़ा जल्दबाजी में काम करवाया, थोड़ा ही काम कराना था हमें। तो उसने क्या किया बाद में, पहले तो बोला कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं प्लेटफॉर्म लगाऊंगा, और बाद में उसने, मैं थी नहीं घर में, मुझसे पूछा नहीं कुछ भी नहीं, और ना आकाश से पूछा, आकाश भी अपने काम में बिजी थे, उसने पूरा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया। और उसके बाद उसने उस दूसरा प्लेटफॉर्म ब्लैक ही लगा दिया, वाइट नहीं लगाया, ब्लैक ही लगा दिया। तो उसने पूरा मेरा डिज़ाइन बिगाड़ दिया। अगर उसने मुझे पहले बोला होता कि प्लेटफॉर्म तोड़ के बनवाना है तो पहली चीज़ मैं वाइट लगवाती, दूसरी चीज़ मैं उस तरफ जो ये वाला स्पेस आप देख रहे हो इस जगह से मैं प्लेटफॉर्म लेती, मैंने अभी ये मेरा खाली जगह है, मैं इधर से लेती और मैं यहाँ तक लेती, यहाँ तक। अब मेरा ये देखिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अभी देखो क्या होता है ना, अगर आपने पैसे खर्च किए किसी भी चीज़ में और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है। अब मेरे किचन में कोई भी आता है, अब सेम हमारा किचन देख के हमारी जो नेबर है उन्होंने भी बनवाया, उनका किचन इतना अच्छा लग रहा है, और अभी कोई भी आता है तो यही बोलता है कि यार ये क्या है, और लिटरली ये क्या है, सारा सामान अंदर का दिखता है, तो गुस्सा आएगा। और गुस्से में ऐसे मुंह से निकल जाता है कि वो मर जाए, इंटेंशनली ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं चाहूँगी, बट हाँ गुस्सा आता है मुझे जब भी मैं किचन में आती हूँ, वो लीकेज होता है पानी का, सिंक के नीचे इतना गंदा रहता है, वो तो पवित्रा इतनी अच्छी है वो डेली साफ करती है, वरना बच्चे वाले घर में ये कितना मुश्किल है। अब मैं अभी क्यों नहीं दूसरा किचन बनवा रही हूँ, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे नया किचन बनवाने में, और मुझे नया बनवाना है, मुझे ये किचन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अभी अगर मैं इसमें 20-25,000 दोबारा से खर्च करती तो वो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं 2-3 महीने रुक के हम दोबारा से किचन बनवाएंगे, और अभी 2-3 महीने ऐसे ही चला लेते, 2-3 महीने तो निकल गए ऐसे ही, 2-3 महीने और निकाल के फिर हम नया किचन बनवाएंगे। सो ये पूरी कहानी है। ऑब्वियसली मेरी जगह अगर आप लोग होते तो आप लोग को भी गुस्सा आता, किसी को भी गुस्सा आता, पैसे दिए हैं और उसके बाद अगर आपको वैसा काम नहीं मिल रहा है तो गुस्सा तो आता ही है। सो ये थी कहानी, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी फिर से, और मुझे प्यास लग गई है। सो अभी फाइनल अब ये हुआ है कि अगला जब हम नेक्स्ट किचन कराएंगे, हम कुछ भी पैसे ये लेन देन वाला काम करेंगे उसमें मैं करूँगी, कुछ भी आकाश नहीं करेंगे, क्योंकि आकाश के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, वो बहुत सीधे हैं, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते हैं, उनको लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं चंट इंसान हूँ, मतलब हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ऐसे है, वो महादेव की तरह सीधे, मैं महाकाली की तरह समझ जाओ मतलब उतना भी झगड़ा नहीं करती, बट मुझे गलत पे गुस्सा आता है, क्यों छोड़ दूं, मैंने इतने पैसे दिए हैं उसको। अभी भी आकाश बोल रहा है उसको जाने दो, अभी कोई बात नहीं, मैं तो बोल रही हूँ मैं पुलिस केस करूंगी उसके ऊपर, सारे पैसे निकलवाऊंगी, बट आकाश बोल रहे हैं जाने दो, तो ठीक है अभी जब आकाश ही बोल रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सुबह मैंने आलू का पराठा बनाया था, तो थोड़े से ये आलू बचे हुए हैं, तो ये अभी मैं सैंडविच में यूज़ करूँगी, और ब्रेड चाहिए मुझे, 2 ही ब्रेड चाहिए, क्योंकि अद्दू के लिए बना रही हूँ, एक ही सैंडविच बनाऊँगी, सैंडविच नहीं एक्चुअली टोस्ट बनाऊँगी। और ये साइड का टूट गया है, इसको हम साइड ही कर देंगे और निकालेंगे ये दोनों, और चाहिए हमें चीज़ को साइड रखते हैं। थोड़ा सा आलू गिर गया यार, ये ध्यान रखना है कि नीचे नहीं गिरना है, ठीक है, मुझसे गिर जाता है, बट आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इस तरीके से
पूरा स्प्रेड कर देंगे आलू को, और हम डालेंगे चीज। अब मैंने फोन को लगा दिया ट्राइपॉड में, तो मेरे दोनों हाथ हैं काम के लिए। अब हम चीज लेंगे थोड़ा सा, और इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसमें मैं कोई भी तीखी चटनी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये अद्दू के लिए बन रहा है, और सबसे बड़ी बात मेरे पास तीखी चटनी है भी नहीं। तो हम बहाना कर सकते हैं कि अद्दू के लिए बन रहा है। साथ में डालूंगी थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा मियोनीज, अद्दू लव्स मियोनीज। इसी कटोरी से इसको स्प्रेड कर लेना है, कटोरी बोल रही हूँ, चम्मच से इसको स्प्रेड कर लेना है। ज्यादा बर्तन गंदे नहीं करने हैं। और इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब हमें लेना है एक तवा। वैसे तो टोस्टर में भी बना सकते हैं, बट मैं टोस्टर में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक के लिए मैं क्या ही टोस्टर निकालूं। इस पे डालेंगे बटर, ये टिफिन वाला। अच्छा, ये भी थोड़ा सा गल गया है, बहुत देर से बाहर निकला हुआ था। अच्छे से इसे भी स्प्रेड कर लेंगे उतनी दूर जितना दूर हमें रखना है ब्रेड। लाज कमाल आ गया मिला। देखो देखो कोक इसने इसमें भर के रखा हुआ है और सारा नीचे गिरा रहा है। दे मेरा कॉफी तो कहीं रखा था, मैंने कहा धोने के लिए रखा था, तो इसमें रह होगा। आज भी उसको ना वहां धोने पड़े बाथरूम में। लाइट नहीं था। शाम चूड़ी पहन के आया। ओ अद्दू चूड़ी दिखाओ तो, दोनों हाथों में आप चूड़ी पहन के आए हो। अद्दू चूड़ी पहन के आया है, इसको बड़ा शौक है चूड़ी पहनने का या पहनाने का। या नहीं पहनाने का नहीं है, सिर्फ पहनने का शौक है। अद्दू चूड़ी पहन के आया। अटक गई, अटक गई उसकी गाड़ी, अटक गई। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसको लेंगे इसमें अद्दू के प्लेट में। चेयर पे रखती हूँ, आ जाओ। अद्दू का कुल्छी किधर है भाई? अद्दू का कुल्छी किधर है? इधर है। अद्दू 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 पापा जा रहे हैं। गार्डन जा रहा है अद्दू। आप गार्डन आओगे मम्मा के साथ? मम्मा के साथ गार्डन आओगे पार्क में? चलो चलो पार्क चलते हैं। अद्दू को हमने पागल बना दिया और हम उसको पार्क में ले आए, और उसके पापा वो जा रहे, वो चले गए। अद्दू बेबी, और इसको मैं ऐसे पकड़ के झुलाती हूँ। अब उस पे दोनों झूला एक ही है अद्दू, दूसरे पे जाओ ना किसी और पे।
अदुला मिला, अदुला किधर जाएगा? आज ये लड़का नहाया नहीं है, ये लड़का नहाई नहाई नहीं किया आज ये। टी शर्ट कोई, पेंट कोई है? गाइस इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अदु अभी खेलेगा यहाँ पे एक घंटे तक, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और एक घंटे तक मुझे उसको खेलते हुए देखना है। हाँ तो अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर करना, खूब सारा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।